रश्मि, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर। और जैसा आप जानती हैं, ये प्रोग्राम का मकसद होता है कि जितने भी टॉपर्स हैं, आपके जैसे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उनके सक्सेस स्टोरी और स्ट्रैटेजी जो है लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी अपना एक मॉडल क्रिएट करें। तो आपसे हम डिस्कस करेंगे हर पॉइंट पे, एंड आई एम श्योर आपकी स्टोरी काफी रोचक होने जा रही है, क्योंकि आप जो है 64 बीपीएससी में भी क्वालिफाई कर गई थी, सर्विस में अब भी चली गई थी, और इसी बीच में आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट को जारी रखा, और ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट रहा 2020 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड आज आपका सिलेक्शन हो चुका है विथ रैंक 457, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट आईएएस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। रश्मि, चूंकि जर्नी आपकी काफी लंबी है और रोचक है, तो और आप चाणक्य के स्टूडेंट भी रही हैं, तो ये नेचुरली हमारे लिए भी गर्व की बात है, लेकिन थोड़ी सी आपसे हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि लोगों को आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जी सर, मैं ओरिजिनली बिहार की रहने वाली हूँ, फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनली, बट वी आर सेटल्ड इन पटना फॉर लाइक लास्ट 15 ईयर्स, एंड मैंने मेरी स्कूलिंग सर यही केंद्रीय विद्यालय से हुई है, पटना सेल्फ, बोथ 10th एज वेल एज 12th, और सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीआईटी मेसरा से की है, इंजीनियरिंग की है सर ईसीई से, आई ग्रेजुएटेड इन 2016। और सर मेरे घर में सर मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा सीपीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, माय मदर इज अ होम मेकर, और मेरा भाई है सर ही इज अ आईटी इंजीनियर, ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो दिस इज माय स्मॉल वर्ल्ड आई वुड से। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है सर, तो एक फाइनल ईयर में सर एक मुझे वो आ गया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो कॉलेज से निकलने 2016 में आई ग्रेजुएटेड, एंड आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट 2017 इटसेल्फ, और सर उसके बाद मैंने चाणक्य में स्टार्ट किया था क्लासेस, और सर एक्चुअली बीटेक के बाद आई गॉट कैंपस प्लेस इन आईडिया सेल्युलर एज टेलीकॉम इंजीनियर, तो मैंने पटना लिया था इसे यही सोच के कि घर पे रह करके, मतलब ताकि मैं जॉब और पढ़ाई मैनेज कर पाऊँ, और लकीली यहाँ पर चाणक्य का ये था ब्रांच था, तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी, तो मैं वीकेंड क्लासेस लेती थी सर जॉब के साथ, तो एक साल मैंने वैसे कंटिन्यू किया था। तो चाणक्य एकेडमी पटना ब्रांच की आप स्टूडेंट रही, और स्पेशली आपने जॉब को ध्यान रखते हुए वीकेंड बैचेस, ये बहुत अच्छा। सबसे पहले तो यही बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि इस जॉब के साथ कोचिंग करना और तैयारी करना आपके लिए समय के हिसाब से थोड़ा चुनौती रहे होगी, स्पेशली ऐसे लोग जो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं और कोचिंग भी करना चाहते हैं, अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। हाँ सर, काफी डिफिकल्ट होता है, और सर मैं क्योंकि ऑपरेशंस में थी तो मेरा टाइमिंग वैसा होता था कि कभी भी फोन आ जाता था ऑफिस से, सो डिफिकल्ट तो होता है सर, बट एटलीस्ट मुझे वीकेंड फ्री मिलता था लकीली, तो मैंने इसीलिए सैटरडे संडे, ये होता था थोड़ा हेक्टिक होता था सर क्योंकि पूरे फुल डे की क्लासेस होती थी और काफी कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट कराने का चैलेंज होता है, तो डिफिकल्ट तो होता है सर, बट वही है कि अगर गोल क्लियर है तो फिर ये काफी आसान लगता है, फिर लगता है कि ठीक है यही जरूरी है अभी, सो दैट हेल्प मी, वो थोड़ा मोटिवेट रहने के लिए काम आता था। गोल क्लियर है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि यदि गोल क्लियर है तो मंजिलें यदि आपके सामने हैं तो नेचुरली रास्ता भी अपने आप बनता चला जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा मैं आपको जानता हूँ कि पहली बार आपका प्री नहीं हुआ सिविल सर्विस, फिर दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी प्री नहीं हुआ, राइट और इसी के बीच में आप चौथे अटेम्प्ट में प्री मेंस इंटरव्यू क्लियर करके अब आईएएस बन चुके हैं, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, आपने आपको कैसे रखा, ये थोड़ा लोगों से शेयर कीजिए। सर दो पहले दो अटेम्प्ट्स में सर समहाउ आई न्यू कि मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो वो हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता था, एंड मुझे लगता है कि वो मेरे को बहुत पुल डाउन किया पहले दो अटेम्प्ट में, और सर थर्ड अटेम्प्ट वाज वेरी चैलेंजिंग आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट्स गॉट आउट, मतलब मैं काफी डीमोटिवेट हो गई थी, तो सर जो मैंने फाइनल अटेम्प्ट में जो एक बेसिक चेंज की वो मैंने अपने मेंटल हेल्थ पर चेंज लाया सर। आपको समझना पड़ता है कि ये एग्जाम अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, एक साल का ये पूरा एक प्रोसेस होता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूपीएससी एज अ कमीशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है एस्पिरेंट में, सो
फाइनल अटेम्प्ट में सर मेरा ये अप्रोच था कि मैंने सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये मेरी ट्रेनिंग चल रही है और जब फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरा प्रमोशन होगा. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो मेरा ये था कि ये ट्रेनिंग है, ये परसिवियरेंस और पेशेंस यही सीख लेना है. तो इस अप्रोच से सर मैंने अपना फाइनल, ये जो फोर्थ अटेम्प्ट था, मैंने इस अप्रोच से दिया था कि रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड, देखा जाएगा जो होगा जितने अटेम्प्ट्स लगते हैं. तो ये सर अप्रोच हो गया था मेरा फाइनल अटेम्प्ट में. मैं काफी, मैंने पढ़ाई सर मैंने फाइनल अटेम्प्ट में पिछले 3 अटेम्प्ट से कम करी थी, लेकिन जो एक मेंटल हेल्थ पर बात होती है, मैंने मेडिटेशन काफी किया, मैंने अपने दोस्तों से मैं काफी कनेक्ट हुई. इसके पहले थोड़ा मैं कट ऑफ हो चुकी थी. फाइनल अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा दोस्तों से बातें करना शुरू किया, पेरेंट्स से शेयर करना शुरू किया, तो ये सब काफी हेल्प किया सर मोटिवेट रहने में. ये आपके बात से निकल के आता है जो कैंडिडेट्स को, फ्यूचर के एस्पायरेंट्स को समझना चाहिए. जब आप मान लेते हैं कि आई एम ऑलरेडी ए कैंडिडेट, ये प्रोसेस है. आपने बहुत इंटरेस्टिंग कहा कि मैंने सोचा कि ये ट्रेनिंग है मेरी, प्रोसेस में गुजर रहे हैं, तो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. और फिर आपको अंडर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता कि क्यों हो रहा है सब चीजें, क्यों अपनी मंजिल को हासिल करना फिर आसान हो जाता है. इसमें काफी ज्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस भी आए होंगे बीच बीच में, जो कि कभी होगा या नहीं होगा, क्या होगा. तो लास्ट अटेम्प्ट में तो आपने आपको संभाल लिया, फिर तो शुरू के दिनों में जब आता था तो कुछ लोग होंगे जो आपको संभाल रहे होंगे, और आपने आपको तो वो कैसे किया आपने? सर मैं बेशक, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया. सर मैं यहाँ पटना में अपनी मम्मी के साथ रह करके रहती हूँ, तो और मेरे पापा सर बिलासपुर में पोस्टेड है, तो वो यहाँ ज्यादा रहते नहीं है, तो मैं अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर करती हूँ. और एक वो जो सपोर्ट होता है, आप किसी से भी वो सपोर्ट ले सकते हैं, बी इट योर पेरेंट या फिर आपके आपके फ्रेंड्स जो आपको सही से समझे. तो देखिए सब लोग इमोशनल होते हैं और बहुत जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ऐसा अननेचुरल नहीं है. और आपको यही समझना है कि इट्स टोटली नॉर्मल टू गेट पैनिक, टू यू नो गेट एंशियस ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो जहां आप ये समझेंगे यू विल लेट योर इमोशंस आउट. तो मैं बहुत रोती थी. ये मैं बोलना चाहती हूँ, आपको रोना आएगा, आप रो लो. इनफैक्ट रिजल्ट के दिन भी सर मैं बहुत रोई कि इस बार मेरा नहीं होगा. एवरीवन फील्स द सेम वे. सो आपको बस ये समझना है कि बस आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं. एंड वही सेल थ्रू करते हैं ना, हु कैन हैंडल दीज इमोशंस इन अ राइट वे. सो दैट वुड बी माई मैसेज फॉर ऑल सर. और अच्छी बात कही आपने कि जो अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, नेचुरली दुख होना, खुशी होना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. लेकिन आप वो कहते हैं ना, यदि चलते चल रहे हैं तो गिरेंगे भी, लेकिन यदि उठने की तमन्ना रखते हैं तो गिरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बल्कि कुछ करके ही हम सीख करके उठ के खड़े होते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इमोशनल मैनेजमेंट हैज बीन, एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. इमोशन में या तो आप डूब जाए या इमोशन से बाहर निकल जाए, दैट इज वेरी. और सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, जैसे पढ़ते पढ़ते वो भी होता है ना, आप बर्नआउट हो जाता है, अब बिल्कुल नहीं मन कर रहा है पढ़ने का. सर ये इस टाइम पर मैं कहूंगी कि आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, सभी को लेना चाहिए. मैं भी, दो दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करें तो उससे कुछ ज्यादा घाटा नहीं होने वाला है. और सर ये समहाउ मेरे पास ये वाला इन्फो कि मैं जितने भी टॉपर्स का टॉक्स देखती थी, तो ये वाला पोर्शन मैं बहुत मिस करती थी कि जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो व्हाट टू डू. तो ये मैं कहना चाहूंगी कि आप आराम से रिलैक्स करो, 2 दिन का ब्रेक लो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसमें. तो ये मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहती हूँ इसमें सर. बहुत अच्छी बात आपने रखी कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने को फिर से रिवाइव कीजिए, रिस्टोर कीजिए, कुछ हॉबी वगैरह तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, लोगों से बातचीत करिए. हेलो, दिस इज़ जुनैद अहमद एंड माई एक्सपीरियंस विद चाणक्या फॉर माई मॉक इंटरव्यू वॉज रियली गुड. आई मेट द बोर्ड, दे वर वेरी एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क वर वेरी डाइवर्स. द क्वेश्चन दे आस्क वर फ्रॉम डैफ प्लस करंट अफेयर्स, सो दे गेव एन होलिस्टिक आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क इन माई इंटरव्यू. प्लस अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, द थिंग्स विच दे फोकस्ड अपॉन वॉज द प्रेजेंटेशन, हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ in front of the interview board. So your verbal, non-verbal traits which are there, your sitting posture, the way you enter, and all these things, they also play an important role during your interview. So the suggestions which were there regarding this, they were also very helpful.
I wish Chanakya and its team all the best, and I hope in the future also they'll keep helping the future aspirants in getting their goal. Thank you. आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा जो नॉर्मली स्टूडेंट को प्रेशर रहता है जब स्टार्ट करना, हाउ टू बिगिन, वेयर फ्रॉम टू बिगिन, क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। पहले तो शुरुआत कहां से करें, किन किताबों से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें, जो फिर क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, ये बड़ा एक डिलेमा का कंडीशन रहता है। तो अपने अनुभव से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि कैसे करना चाहिए? सर, इसमें स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूंगी चाणक्य से काफी हेल्प मिली, क्योंकि मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और इनिशियली सर वही कंफ्यूजन होता है कि सोर्सेस क्या रखनी चाहिए, कौन से एनसीईआरटी पढ़ना, ये भी रहता है कि सिक्स से पढ़ना है या प्लस इलेवन ट्वेल्थ काइंड ऑफ है, काफी कंफ्यूजन रहता है। तो सर मुझे तो काफी हेल्प मिली चाणक्य से, क्योंकि सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करना मेरा रिस्ट्रिक्ट इसी से हो गया। यहाँ पर जितने सोर्सेज बताया गया मैंने आगे सबसीक्वेंट ईयर्स में उन्हीं सोर्सेज को फॉलो किया। जैसे फॉर एग्जांपल सर पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं सभी, और सर बेयर एक्ट अगर आप कोई एस्पिरेंट ऐसे कोई नया एस्पिरेंट लेके बैठे तो वो समझ में नहीं आती है। बट क्योंकि हमारी मेरी मतलब मैंने शुरुआत ही उसी की, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत इज समथिंग लाइक यू कैन डू इट योर सेल्फ, और वो आपको पढ़ना ही है, लेकिन बेयर एक्ट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, लाइक अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल्स इटसेल्फ, और ये प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड इट रियली डिड, मैंने लास्ट तक भी बेयर एक्ट को ही फॉलो किया था। तो सर सोर्सेज लिमिट करने में मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कोचिंग से काफी हेल्प मिली। और सर जहां तक बात है कैसे डिसाइड करें, तो इसमें सर मैं कहूंगी कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसे साथ रखना चाहिए। आप सिलेबस देखो, आप देखो जो बेसिक एनसीईआरटी से आप वहां से स्टार्ट करो, और उसके बाद आप क्वेश्चन देखो कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। इनिशियली तो अगर आपने इससे कुछ नहीं पढ़ा आपको यूपीएससी क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे। तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि मेरा इसमें से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, पर पहले बस देखो कि आपसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे अपने आप रिस्ट्रिक्ट होता जाए कि अच्छा ठीक है ये वाला बुक, मतलब एनसीईआरटी आप एक बार सबको रीड कर लोगे तो इट्स नॉट अ हार्म। आपको फिर खुद ही समझ में आ जाए कि फाइनल रिवीजन के लिए मुझे कौन कौन से एनसीईआरटी की जरूरत है। अभी आपने जो बात कही इसको हम पॉइंट फॉर्म में सम अप करें स्टूडेंट्स के लिए, तो आपने ये कहा कि सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपकी मेंटरिंग मिल जाए, मेंटरशिप। तो उसमें जैसे आपने चाणक्य पटना सेंटर का फायदा उठाया, दूसरे से कोई भी स्टूडेंट्स हैं कि कोई अच्छे मेंटर या कोचिंग वहाँ फायदा उठा लें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देयर टाइटिंग। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले सालों के क्वेश्चन को बार बार देखना ताकि आपको क्लियरिटी हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? ऐसे भी एक नॉर्मल कहावत है ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आप पहले ही दिमाग को प्रॉब्लम दे देंगे तो वो अपना दिमाग उसके सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है, ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश करिए और सिलेबस के आसपास रहिए, क्योंकि अदरवाइज बिखरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप बिखर सकते हैं कि आपको पूरी ज्योग्राफी, पूरी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बल्कि उनको फोकस करना है जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना रिसोर्सेज को रिपीट करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज रिपीट, दैट इज इम्पोर्टेंट। रश्मि, और भी प्रॉब्लम आपके कैंडिडेट को जॉब को भी आई होगी, इतनी सारी चीजें पढ़नी है तो याद कैसे रखें? पढ़ते और भूल जाते हैं ना, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो आप अपने अनुभव से बताइए लोगों को कि कैसे याद रखा आपने सारा चीज। सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मुझे नई चीजें पढ़ना बहुत पसंद है, बट रिवीजन इज नॉट माय फोर्टे, तो यहाँ मैं भी स्ट्रगल करती थी। और इनफैक्ट मैं ये भी मैंने नोटिस किया था सर कि जो पिछले तीन अटेम्प्ट्स में, स्पेशली जो 2019 का अटेम्प्ट था, पर मैंने सब कुछ लिया था, बट रिवीजन की जो कमी थी वो वहां रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसके लिए सर मैं कहना चाहूंगी, जैसे मैं सर ऑनलाइन नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स जो करंट अफेयर्स के होते थे, और स्टैटिक के लिए सर मैं रिटर्न नोट्स मैं बनाती थी। तो सर जो मेरा फाइनल अटेम्प्ट मैंने जो नोट्स बनाया था, आप उसको बिल्कुल मैंने बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाए थे, वन लाइनर्स, बस एक वर्ड लिखो और उसका बस जैसे प्रीलिम्स में जैसे पूछते हैं ना कि कुछ अश्वघोषा के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है, इस टाइप से मैंने एकदम वन वर्ड वन लाइनर टाइप के नोट्स बनाए थे। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि अभी से एक साल बाद या छह महीने बाद जब मैं इसे रिवाइज करने बैठूं तो ये कितना टाइम लगेगा इसे रिवाइज करने में। इस मेंटालिटी से आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली वो क्रिस्प होते जाएगा। और जहां तक रिवीजन का बात है सर, मेरा ऐसा कुछ रूटीन नहीं था कि मतलब हर 15 डेज में या हर महीने करना है,
मैं टेस्ट देते जाती थी और टेस्ट के बेसिस पर मैं रिवाइज करती थी, जैसे उसमें किसी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या टॉपिक बैठ की, तो मुझे पता था कि इस वाले टॉपिक को मैं मुझे थोड़ा और टाइम देना है, तो इससे ये होता था कि टाइम मेरा ढंग से डिवाइड होता था। ये नहीं तो क्या होता था कि मैं सारे टॉपिक को हमेशा मतलब एक ही साथ रिविजन के लिए बैठ गई, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता था। तो सर ये वाला अप्रोच था मेरा, टेस्ट के थ्रू मैंने रिविजन किया था। बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन जो आपने कहा, पहले ब्रीफ नोट्स बनाना, ऐसा कि आपका क्विकली किसी भी लिमिटेड टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं, एंड रिवीजन इज वेरी क्रूशियल टू रिमेम्बर द थिंग्स विच यू आर रीडिंग। सेकेंडली, आपने भी जो बात करी न्यूज़पेपर की, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो न्यूज़पेपर इतना वॉल्यूमनस होता है कि स्टूडेंट को ये भी टेंशन होता है कि इसमें क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या इम्पोर्टेंट और नहीं इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने फिल्टर करके कैसे समझा कि क्या इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर में, ये पढ़ना और कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा शेयर करिए। हाँ सर, उसमें भी सर मैंने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का ही हेल्प लिया था कि जैसे आजकल सर मार्केट में काफी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सर फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का जब मैं सॉल्व कर रही थी पेपर, तो उसमें आप समझ में आता है कि कौन सा स्टैटिक पोर्शन से कौन सा करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी हो या एनवायरमेंट हो, तो उसमें सर जैसे नेचुरल पार्क रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस देख करके आपका सर मेरा वो होता था कि सबकॉन्शियस ऑलरेडी अलर्ट रहता था कि पेपर पढ़ने टाइम भी क्या निकालना है, तो जैसे ही नेशनल पार्क रिलेटेड कोई भी न्यूज आई तो वो अपने आप कैच करता था अटेंशन की इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट्स में अपने डालना है। तो सर मैं वही कहूंगी कि यहाँ पे भी कम्प्लीटली सिलेबस और क्वेश्चन पेपर ही आपका साथ देगा। इनिशियली सर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया था तो काफी बल्कि नोट्स बनते थे मेरे भी, तो मैं ये कहूंगी कि आप एकदम से अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी तो आप एकदम से नोट्स बनाने पे ना उतरे, आप कुछ दिन पेपर पढ़े, पेपर पढ़ने की आदत डालें, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बहुत लोगों के लिए, तो आप इनिशियली ये करें और जितना सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपने दिमाग में बसा सकें उतना अच्छा, एक बार वो सेट हो जाएगा अपने आप आपको फिर फील आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज लिख लेनी चाहिए कहीं पर, ये पॉसिबली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो सर ये अप्रोच था मेरा। ये बताए कि जो है जो चूंकि आपको 4 बार प्री दिया, 3 बार आपका नहीं हुआ, चौथी बार आपको प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो गया, तो प्री कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। yes, शायद आप पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर पाती, हो सकता है पहले भी सिलेक्शन हो सकता था, तो उसके बेसिस पर आप कुछ बेसिक टिप्स जो स्टूडेंट को कॉशन रखना चाहिए, ऑफकोर्स प्रिपरेशन इंटीग्रेट ही करना है प्री और मेंस का, लेकिन देर आर सम पॉइंट्स विच आर वेरी क्रूशियल, वो क्या है जो रखना चाहिए प्री में? सर प्रिलिम्स इज अ गेम ऑफ माइंड आई वुड से, आप रिलैक्स रहें प्रिलिम्स के दिन, और एक दिन में नहीं होगा, इट्स अ होल प्रोसेस, आपको पूरे साल उस मेंटालिटी को मेंटेन करना है, ये मेरा पहला टिप है। सेकंड टिप सर, आजकल करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक होते जा रहे हैं एंड वो मतलब आपको ऑन स्पॉट आपका आपको जज करेंगे, तो आप करंट अफेयर्स आप करें बट आप अपना स्टैटिक पोर्शन, मैं कहूंगी स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल पुख्ता रखें, पॉलिटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 4 पेपर आराम से अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो ये 4 पेपर के क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, और ये पोर्शन में अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं भले ही आपने नहीं पढ़ा हो कहीं सुना हो तो वो डेफिनेटली वहां बनेंगे, जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाली बातें होती हैं कि आप ऐसे एलिमिनेट करें वैसे एलिमिनेट करें, ये तभी काम करेंगे व्हेन यू आर मेंटली रिलैक्स्ड। और सर इसके लिए मैं मेरा पहला टिप होगा कि आप बिल्कुल वैसे शांत रहे कि अगर क्वेश्चन पेपर आया है और कुछ 50% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो किसी से नहीं बन रहे हैं, आपको वहीं पर खेलना है और वो आप तभी खेल पाएंगे जब आप दिमाग शांत रखेंगे, और जो बाकी 50% क्वेश्चन है वो आपके स्टैटिक पोर्शन से होगा, तो आप तो स्टैटिक पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये 2 मेरा से टिप रहेगा। वेरी गुड, बहुत आपने कुल मिला के फिर वही बात आएगी कि आपको कूल जितना माइंड रखेंगे बैलेंस रखेंगे उतना ही आप चीजों को रिट्रीव कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू रियली मेक योर सिचुएशन बेटर देन अदर्स, दैट इज वेरी वेरी गुड। अब हम थोड़े से मेंस की बात करते हैं, मेंस के जो पेपर हैं उसमें जो नए आ रहे हैं आपको वाच करें उनके लिए बता दें कि इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर होगा 300 मार्क्स का, और हिंदी का भी एक होगा जो 10th लेवल का है, बट वहां बेसिकली आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेना है। yes.
प्रीलिम्स में ये जहाँ था कि वो जनरल स्टडीज जो है उसमें मेरिट बनता है और सी सेट में आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है। लेकिन मेंस के अंदर में अब आती है बातें, एसए का एक पेपर है, जनरल स्टडीज के चार पेपर हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होगा जिसमें दो पेपर होंगे। थोड़ी सी चर्चा हम पहले ऑप्शनल से शुरू करते हैं। आप इंजीनियर हैं और आपने सब्जेक्ट लिया सोशियोलॉजी, राइट? तो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आपका कंसिडरेशन क्या था जो आपने सोशियोलॉजी ले लिया? सर, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ईसीई था मेरा और वो है नहीं यूपीएससी के सिलेबस में, तो मेरा ये क्लियर था कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से नहीं करना है। दूसरा ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि ऐसा ऑप्शनल हो जो कि मुझे बाकी जीएस पेपर में हेल्प कर सके। तो सर, सोशियोलॉजी मुझे सबसे नियरेस्ट लगा क्योंकि काफी टॉपिक्स मैच कर रहे थे जीएस पेपर वन से, और एसए के भी सर काफी टॉपिक्स मैच कर रहे थे। और तीसरी चीज ये थी सर कि मैंने और भी सिलेबस, मतलब जैसे एंथ्रोपोलॉजी का भी सिलेबस देखा था, वो भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखें तो। लेकिन सर मुझे जो सोशियोलॉजी का सिलेबस था वो काफी इंटरेस्टिंग लगा सर, और उसके भी सर मैंने क्वेश्चन पेपर पहले देखे थे, पढ़ाई शुरू करने से पहले क्वेश्चन पेपर देखा था। तो उसका जो पेपर टू का क्वेश्चन होता है वो काफी जनरल होता है। तो सर मेंस का ये पॉइंट है कि आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चीजें आपको आते हुए भी आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये था सर कि वो क्वेश्चन देकर के मुझे लगा कि अगर ये मैं ना भी पढ़ूं तो मैं कुछ तो लिख करके आ सकती हूँ इसमें। तो ये सर 3 पॉइंट्स थे मेरे सोशियोलॉजी चूज करने में, मुझे इंटरेस्टिंग काफी, और इनफैक्ट अभी भी मतलब सर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ऑप्शनल ऐसा होना से चाहिए सर, उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ऐसा बोलते हैं कि आपको उसमें बैचलर लेवल की एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए पढ़ते पढ़ते। तो जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें तब तक आप यू कैन नॉट क्लिंग टू दैट सब्जेक्ट। तो सर इंटरेस्ट वाले बात को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑप्शनल चूज करने में। सोशियोलॉजी की जो लोग पहली बार ले रहे हैं, इंटरेस्ट आपने कही, मैंने आज कम से कम जो है 300 सच इंटरव्यूज में ले चुका हूँ पिछले 4 साल के अंदर में जो टॉपर्स के, उस सब के बारे में फिर से आपके बिहाफ पे स्टूडेंट को बता दें कि एवरी कैंडिडेट हैज सेड वन थिंग कि इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये एक कंपेटिबिलिटी आपको बहुत जरूरी है, राइट? एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के बारे में कहते हैं इट इज जस्ट लाइक सेलेक्टिंग योर लाइफ पार्टनर। जब तक एग्जाम दे रहे हैं तो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी तो आपके लिए इरिटेशन ही बनेगा। सो बी केयरफुल अबाउट सेलेक्टिंग। आपका सब्जेक्ट भी ग्रेजुएशन में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट को 4-5 महीने में तैयार कर सकते हैं। सेकेंडली है कि गाइडेंस सही मटेरियल और मटेरियल मिल जाए। तो ऐसे कैंडिडेट जो सोशियोलॉजी लेना चाह रहे हैं उनके लिए फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए आप कुछ खास ऐसा सोर्सेज बताना चाहेंगे? सर एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, जो 11th-12th के एनसीईआरटी इंडियन सोसाइटी की, आप वहां से स्टार्ट करें। और आप उसमें सर काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूरे पूरे सिलेबस, मतलब सिलेबस से डायरेक्टली उठाए हुए टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे उसमें, जैसे संस्कृताइजेशन है, ये सब काफी अच्छे से उसमें बताया हुआ है। तो वहां से आप, अगर आपको वो पढ़ने में मजा आ रहा है तो आगे भी मजा आएगा। उसके बाद सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सर एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है सोशियोलॉजी की, टर्मिनोलॉजीज की, तो ये एक मस्ट बुक है सर। ये सबके जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर के चल रहे हैं उन्हें ये खरीदनी चाहिए। उसके अलावा सर जो बेसिक बुक्स है, हार्लम बॉस है, एंथनी गिडेंस है,
तो सर आई एम वन आई एम दैट वन पर्सन की जो शॉर्ट नोट्स या कंपाइलेशन सर मेरे से हो नहीं पाता है. आई गो फॉर द बुक इटसेल्फ. तो सर मैंने डायरेक्टली पहले बुक पढ़ा था, हरलम्बोस पढ़ा था, गिडेंस पढ़ा था, और उसके बाद सर मैंने नोट्स को रेफर किया था. काफी नोट्स अवेलेबल है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अवेलेबल है, वो सब मैंने बाद में रेफर किया था. आई वेंट फॉर द बुक बुक फर्स्ट. मैंने किताबों को पहले पढ़ा था, उसके बाद में नोट्स पे गई थी. कि आपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए हाँ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका हेल्प दिया. बहुत अच्छे बुक्स के नाम ले रहे हैं, इंक्लूडिंग हरलम्बस. दे आर वेरी स्टैंडर्ड बुक टू मेक द थिंग्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी. तो एक तो ऑप्शनल के बारे में हम लोगों ने बात करी. अब हम थोड़ा बात करते हैं एसे की. यस एसे में जैसा कि कैंडिडेट्स जानते होंगे, एक एसे पेपर आपके 250 मार्क्स का, आपको दो एसे लिखना है राइट. एंड ब्रॉडली 1200 वर्ड्स अराउंड आपको एक एसे लिखना है. तो आपका अपना अनुभव क्या रहा, इससे की तैयारी आपने कैसे की और इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया आपने? सर ऐसे ये सर थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. मुझे सर मैं स्कूल से ही सर लिखने लिखने में आई हैड इंटरेस्ट. तो इसमें सर कुछ ऐसे मैंने अलग से तैयारी नहीं की. मैंने कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी फॉलो किया. मुझे सर मेन प्रॉब्लम होती थी जो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, दो तरह के ऐसे आते हैं सर. पहला वाला जो रहता है जनरली वो फिलोसॉफिकल टॉपिक रहता है, और जो सेकंड रहता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है. तो जो करंट अफेयर्स बेस्ड है उसमें आप जीएस का डेटा लेके चलते हैं, वो समहाउ आपको हेल्प कर देता है एक बढ़िया ऐसे लिखने में. और जो पहला टॉपिक होता था जो फिलोसॉफिकल है, उसमें सर मुझे प्रॉब्लम होती थी कि शुरू कहाँ से करें एंड व्हाट टू इंक्लूड इन इट. तो इसमें सर मैंने काफी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अपनाई थी. जैसे सर कोई भी ऐसे हो तो उसका वो एक होता है कि आप उसका पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिकल एंगल, एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे एंगल को देखें. और उसके बाद उस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू फाइंड एग्जांपल्स एंड डेटा. तो कोई भी ऐसे स्टार्ट करने से सर पहले ये जो एक माइंड मैप होता है ये आपको क्रिएट करना होता है पेपर में. और हर एक जैसे कोई मेरे सर सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोफिस्टिकेशन मेरा टॉपिक था मेन मेन वाले पेपर में, मेन एसे में. तो उससे सर आपको ये सोचना है कि इस टॉपिक को मैं अलग अलग डायमेंशन में कैसे जस्टिफाई कर सकती हूँ. तो ये अप्रोच होना चाहिए सर एसे का. तो ये एक माइंड मैप बन जाएगा तो फिर अपने आप फिर फ्लो आ जाता है सर लिखने का. ऐसे में से दो अलग अलग टाइप के जैसे ऐसे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे का हाँ कि इंट्रोडक्शन, मिडिल और एंड. तो उसके बारे में थोड़ा अपना अनुभव बताइए कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मिडिल में क्या होना चाहिए और एंड में क्या होना चाहिए. हाँ सर. सो वही इंट्रोडक्शन में जनरली लोग या तो कुछ एनेक्डोट्स लिखते हैं या किसी स्टोरी लाइन से स्टार्ट करते हैं या कोट्स लिखते हैं. सर मुझे पर्सनली कोट्स याद नहीं रहते थे, तो मैं आई वेंट विद द एनेक्डोट्स एंड द स्टोरी लाइन्स. जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, या तो कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा हो या नहीं तो कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बिल्ड कर सके उसके अराउंड, ताकि वो एग्जामिनर का अटेंशन अपने आप अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ ठीक है आगे क्या लिखा है ये पढ़ने को. तो आई यूज टू स्टार्ट विथ दीज टू थिंग्स. उसके बाद सर जो बॉडी वाला पार्ट है उसी के लिए सर मैंने ये फ्रेमवर्क बताया कि यू हैव टू, जैसे आप डिपेंड करेगा कि आप इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा डायमेंशन लेके चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई टॉपिक है और आप उसका पॉलिटिकल एंगल लेकर के चल रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में. सो आपका जो बॉडी स्टार्ट होगा दैट शुड स्टार्ट विद द पॉलिटिकल एंगल इटसेल्फ, ताकि वहां से आप एलाबोरेट करो. उसके बाद सर जब आप आगे जाते हो तो पैराग्राफ्स के बीच में कंटिन्यूटी होनी चाहिए. सब काफी बेसिक बातें हैं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए. दो टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जब आप स्विच कर रहे हो तो उसमें ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो इसमें सर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, आप पहला जो टॉपिक है उसे आप किसी एंड करो किसी क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए अगले टॉपिक के अंदर में. तो ये भी सर मैंने काफी यूज किया था ऐसे लिखने के दौरान. वेरी गुड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि इसे पढ़ने वाले का एक इंटरेस्ट हाँ है कि आप हाँ क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, यस सर. कौशलेंद्र कुमार, मैं 64वीं बीपीएससी में 91st रैंक के साथ चयनित हुआ हूँ. मैं चाणक्य आईएएस के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि उनका जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी दो सबसे बड़ी खासियत है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक. अक्सर क्या होता है कि आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको घंटों वेट करना पड़ता है, आपको पहले बुला लिया जाता है, आपका टाइम किल होता है. लेकिन टाइम मैनेजमेंट इतना स्पेसिफिक है चाणक्य आईएएस का, मुझे याद है कि मैंने 3 मॉक किया है और 3 मॉक के लिए मुझे 5 मिनट से ज्यादा वेट किसी भी मॉक के लिए नहीं करना पड़ा. मैं टाइम पे जाता था,
मॉक देता था, मॉक के बाद मैं इंटरव्यूअर से फीडबैक लेता था और आता था। फीडबैक की कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में इससे आपको बता सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में आपका बैकग्राउंड, आपकी जॉब और आपका ऑप्शनल जो बीपीएससी का रिक्वायरमेंट है इसके तहत वो एक एक टॉपिक पे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक देते हैं कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो, किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। और उनका इंटरव्यू बोर्ड का जो सेटअप है वो काफ़ी रियल फीलिंग देता है। खासकर जो उनके चेयरमैन सर थे शुभेंदु सर, उनका मैं नाम विशेष तौर पे लेना चाहूँगा, क्योंकि उसने स्पेसिफिक फीडबैक उतना प्रिकॉशन के साथ सब कुछ देखना, मुझे नहीं लगता कि हर जगह पे आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम आपको चाहिए बीपीएससी के लिए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप चाणक्य आईएएस सर्व करें। थैंक यू। अब जनरल स्टडीज के चार पेपर हैं। ब्रीफ में पेपर वन के बारे में पहले बताइए कि वो अप्रोच जो है जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है, सोसाइटी के बारे में आपने थोड़ा बताई दिया, एक सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है आपका किया, बट बाकी जो अप्रोच है उसके हिसाब से तैयारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे पेपर वन के लिए? सर पेपर वन में भाई मोस्टली सर स्टैटिक पोर्शन ही है, हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सो इसका सर मैं आई रिलाइड ऑन एनसीईआरटीज मोस्टली, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो सर स्टार्टिंग विथ आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए सर मैंने जो एनसीईआरटी थीम्स ऑफ इंडिया है ये मैंने किया था, जो न्यू एनसीईआरटीज है, उसके अलावा एक क्लास 12th के एनसीईआरटी है इंडियन आर्ट करके। सो ये चार बुक मैंने सर किया था आर्ट एंड कल्चर के लिए। और सर इसके अलावा जो टॉपिक्स छूट गए जो इनमें कवर्ड नहीं है बट सिलेबस में है या क्वेश्चंस में है, वो मैं सर सीसीआरटी या फिर नितिन सिंघाने से करती थी। मैंने ये दोनों सोर्सेस बस लिमिटेड वे में यूज किया था। उसके अलावा सर जो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह है वो स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज ने हेल्प किया। और फिर ज्योग्राफी के लिए सर पहला पेपर मोस्टली इट वॉज अबाउट एनसीईआरटीज ओनली, और जो भी रिलेटेड जैसे ज्योग्राफी है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं, साइक्लोन्स वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो ये सब आपको रिलेटेड टॉपिक करंट अफेयर्स से मिलेगा, तो ये सब मैं वहां से प्रिपेयर करती थी। पेपर टू के बारे में क्या आपकी राय है उसमें? पेपर टू सर काफी डायनामिक है, वैसे तो है वो बस पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस ही, बट काफी डायनामिक है। तो सर जो ऊपर के कुछ टॉपिक्स है, हिस्टोरिकल पिनिंग्स हो गए या फिर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक है, तो ये तो लक्ष्मीकांत हेल्प मी अलॉट। उसके अलावा एक इंडियन पॉलिटी की बुक है सर, क्लास 12th की एनसीईआरटी है, वो मैंने पढ़ी थी, उससे काफ़ी आइडिया मिलता है कि आपको आंसर राइटिंग में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। फिर सर जो बाकी जो डायनामिक टॉपिक्स है जैसे गवर्नेंस हो गया, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है जैसे ई गवर्नेंस है, उसकी ई गवर्नेंस का आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप सिलेबस का ऐसे टॉपिक वाइज में उठा करके और उसके नोट्स में सर्च करती थी। आप इंटरनेट पे सर काफी कुछ अवेलेबल है, उस वहां से हैंड आउट मिला था, उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वहां से मिल जाते थे सर। तो जो डायनामिक टॉपिक है सर वो मैं सिलेबस के थ्रू गई और इंटरनेट के हेल्प से और यहाँ के कोचिंग मटेरियल के हेल्प से मैंने प्रिपेयर किया था। जब इसकी बात किया था हमने पेपर थ्री की भी बात कर लेते हैं, साइंस टेक भी है, इकोनॉमी भी है, जैसे कि बहुत सारे आइटम्स हैं, उसके उसकी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, ये सबसे ज्यादा डायनामिक पेपर है, दिस इज टोटली अबाउट करंट अफेयर्स। इसमें आपको कुछ ऐसा स्टैटिक कोई बुक नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, जीएस थ्री के लिए इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सब है। तो ये पेपर सर आपका पूरा पूरा करंट अफेयर्स पे रिलाई करता है। और ये पेपर आप इस पेपर का सिलेबस अगर ढंग से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर से क्या उठाना है और क्या छोड़ना है। तो जो भी टॉपिक्स है आपको ये समझना है सर कि जो भी टॉपिक्स है आप उसका उसको ऐसे एनालिटिकल मोड में देखें। जैसे जब अगर सिक्योरिटी हो गया तो उसमें एक नक्सलिज्म टॉपिक आता है, तो नक्सलिज्म का रूट कॉज क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट, कुछ इंसिडेंट्स उससे रिलेटेड, जैसे कि सर मेरे इंटरव्यू से मेंस से पहले एक अटैक हुआ था सर नक्सलिज्म रिलेटेड, तो वो एग्जांपल्स आपको याद रहना चाहिए कि अगर कुछ नक्सलिज्म रिलेटेड टॉपिक आया तो प्रूव कर सके, एज एन इंट्रो आप दे सके कि दो नक्सलिज्म इज बिन डिक्रीजिंग लेटली, बट इंसिडेंट लाइक सिकमा अटैक मेक्स इट
लुक लाइक मोर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इट, ऐसा कुछ करके आपने स्टार्ट किया, तो ऐसे कुछ एक आध इंसिडेंट्स आप एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो ये पूरा पूरा आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेगा. वही है कि आप टॉपिक समझे और उसका जो ये एनालिसिस वाला पार्ट है कि सोर्स हो गया, उसके रीजंस हो गए, क्या करना चाहिए और गवर्न क्या कर रही है, तो ये ऐसे चार पांच जो डायमेंशन हर एक टॉपिक से आप उस वैसे अगर आप हर एक टॉपिक को देखेंगे तो करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ना आसान भी हो जाता है. या आपने जो बात कही फिर से ध्यान दिला दे कैंडिडेट को, जो करंट अफेयर्स है उसका सबसे ज्यादा स्कोप आपका पेपर 3 में ही हो जाता है. उसमें इकोनॉमी के साथ साथ साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कई टॉपिक आ जाते हैं. ऑफ कोर्स पेपर 2 में भी है बट पेपर 3 का स्कोप ज्यादा बड़ा है. पेपर 3 सर, यस, इट्स कंप्लीटली डायनामिक, वो पूरा पूरा करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड है. थोड़ी सी राय आपकी मैं उसमें भी जानना चाहता हूँ, पेपर 4 के बारे में, एथिक्स एंड डिग्निटी एप्टीट्यूड, क्योंकि थोड़ा हट कर पेपर है, तो इसकी तैयारी भी कैसे की आपने और एग्जामिनर इसमें क्या देखना चाहता है, उसके हिसाब से क्या तैयारी करनी चाहिए? सर पेपर 4 में, हाँ जैसे सर आपने कहा कि काफी हटके है ये टॉपिक, और सर प्रीलिम्स के पहले मैंने ये ज्यादा पढ़ा नहीं था, मैंने बस जो सिलेबस में जो भी सारे टॉपर्स बताते हैं, सर ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज है कि जितने भी टॉपिक्स है सिलेबस के अंदर, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, क्या है इसके जो बेसिक डेफिनेशन है आपको वो प्रिपेयर करके रख लेना है ताकि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में प्रॉब्लम ना हो. प्रीलिम्स के बाद सर मैंने, मेरा पूरा फोकस था कि जो केस स्टडीज है मैं वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करूं, और मतलब बस पढ़ के नहीं बकायदा पूरा लिख करके कि उसका इंट्रोडक्शन लिखा, उसके डायमेंशंस लिखे, एथिकल डिलेमास लिखा, फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे. और सर इसके सर टेस्ट सीरीज मैंने अलग से नहीं लिया था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे मैं वही केस स्टडीज सॉल्व करती थी. और एथिक्स में आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा बहुत राइट या रॉन्ग नहीं लिखना है, उसमें भी आपका अप्रोच चेक कर रहे हैं, और जितना ज्यादा आप अप्रोच पे एम्फेसिस डालेंगे उतना बेटर है. आप एग्जैक्टली कौन सा स्टैंड ले रहे हैं दैट यू हैव टू इंक्लूड एकदम एंड में, आंसर के एंड में आपको लिखना है कि हेयर बाय आई वुड लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ स्टैंड. लेकिन आपको जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस केस स्टडी में, जितने भी तरह के डिलेमास हैं, जितने भी तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल, आपको सबके बारे में लिखना है कि क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है. तो ये केस स्टडी सॉल्व करने का मेरा ये वाला अप्रोच होता था सर. तो प्रीलिम्स के बाद मैंने मोस्टली प्रैक्टिस ही किया था, और नोट्स सर मैंने पहले ही बना लिया था, बस वो टॉपिक रिलेटेड, डेफिनेशंस रिलेटेड नोट्स सर. यहाँ आपने बहुत ही शानदार एफर्ट्स लिया, क्योंकि स्टूडेंट को जानना चाहिए कि एक तो पहले इसमें फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो आप कर लीजिए जो आपने ब्रीफ नोट्स बना लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केस स्टडीज के लिए ज्यादा ना भटके, पिछले कई सालों के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो चाहिए आप उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें. तो आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा कि केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करते हैं. और आपने कहा कि अल्टीमेटली एग्जामिनर देखना चाहता है आपके पर्सपेक्टिव को कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, गुड और फैक्टर, तो दैट विल टेक केयर ऑफ यू. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस नेचर बेस्ड क्वेश्चन, ये जो पेपर उसका नेचर बड़ा ही कॉमन सेंस बेस्ड है. इसमें सिर्फ रट पीट करके काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करके पढ़ना. और सर इस बार का पेपर वैसे था भी इतना डायनामिक कि ऐसा कुछ डेफिनेशन डालने का मौका नहीं था, वहां आपको एनालिसिस करके ही लिखना था. सो जितना ज्यादा आप इस चीज को डेवलप करेंगे इट विल हेल्प यू मोर इन द पेपर. एनीवे दिस इज अ न्यू पेपर फॉर यूपीएससी आल्सो, तो लगातार इसको इवॉल्व कर रहे हैं. एग्जैक्टली, टेकिंग मोर एंड मोर ऑन योर कॉमन सेंस एंड योर इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन. वेरी नाइस. रश्मि आप थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करते हैं, सिविल सर्विस स्पेशलिटी टेस्ट, वैसे बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया आपने, सिलेक्शन हुआ आपका, बट यूपीएससी का भी आपका पहला इंटरव्यू था. आपके हिसाब से जो अप्रोच जो था आपका तैयारी करने का, वो कैसे आपने शुरू किया इसकी तैयारी जब इंटरव्यू कॉल आ गया तो? जी सर, जैसे मैं आपने बताया कि बीपीएससी का भी दिया था, तो तैयारी सर यूपीएससी का इंटरव्यू मेरा अगस्त में था, 10th of August, लेकिन बीपीएससी का था मेरा सेम ईयर में फरवरी में. सो प्रिपरेशन मेरा मेंस के जस्ट बाद से ही शुरू हो गया था इंटरव्यू का. मेंस दिया था मैंने जनवरी में और फरवरी में बीपीएससी का इंटरव्यू था. तो जो एक फाउंडेशन वर्क होता है वो बीपीएससी में ही हो गया था. और सर जैसे कि कहते हैं कि इंटरव्यू में आपका जो सिलेबस होता है वो डैफ होता है आपका. आप जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें आपके स्कूल के बारे में लिखा होता है, कॉलेज के बारे में, हॉबीज के बारे में लिखा होता है, आपके पेरेंट्स के बारे में लिखा होता है. तो डैफ जो है वही आपका सिलेबस है इंटरव्यू के लिए.
तो मेरा पहला फोकस था कि मैं डाफ को बिल्कुल अच्छे से करूँ, अपने जो भी मैंने मेंशन किया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो इस पे मेरा फोकस रहता था। और ये सर मैं काफी हेल्प भी किया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था और स्मिता मैम ने बस मुझे एक ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, वो था टेलीकॉम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैं जॉब कर चुकी हूँ आइडिया में 2 साल और मेरे इंटरव्यू से जस्ट एक हफ्ते पहले आइडिया रिलेटेड कुछ न्यूज आ रखी थी पेपर में, तो उन्होंने जितने भी सवाल किए वो पूरा पूरा टेलीकॉम रिलेटेड ही था। एंड आप जब डैफ प्रिपेयर करके जाते हो और आपका शुरुआत उससे होता है तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाता है कि हाँ ये प्रिपेयर था और यहाँ मैंने वैसे ही खेला जैसे मैंने इमेजिन किया था। तो मेरा सबसे पहला अप्रोच वही था कि मेरा डैफ अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके अलावा सर मैंने मॉक्स दिए थे, मैंने ज्यादा मॉक्स नहीं दिए थे सर, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं ज्यादा मॉक दूंगी तो आई विल गेट कंफ्यूज, तो मैंने टोटल 6 मॉक्स दिए थे और आई थिंक दैट वाज इनफ फॉर मी। कुछ लोग ज्यादा देते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सूटेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही फोकस्ड अप्रोच था। इंटरव्यू के कुछ खास एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे वो बताइए, जो यूपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू में क्या हुआ, कोई क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुए और कोई खास एक्सपीरियंस जो आपके पास है। हाँ सर, स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया स्मिता नागराज मैम ने स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सिंस यू हैव अ बैकग्राउंड इन टेलीकॉम, यू हैव वर्क देयर फॉर 2 इयर्स, सो उन्होंने वही से स्टार्ट किया कि अभी जो चल रहा है टेलीकॉम में, डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड इंटरवीन और नॉट। तो पूरा डिस्कशन उसी पे चला, मैंने सर हाँ में बोला था कि अभी इनिशियली वी नीड टू इंटरवीन क्योंकि काफी एम्प्लॉयमेंट और ये सब का बात है, डिजिटल इंडिया वाली बात कही, तो पूरा उनके साथ उसी बारे में डिस्कशन हुई। फिर गोइंग फॉरवर्ड जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने सर मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है, माई फादर हैज अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ इज मणिपुर, तो मैं मणिपुर भी अच्छे से पढ़ के गई थी, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन थे, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड उस टाइम असम मिजोरम का वो डिस्प्यूट चल रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और क्योंकि असम मिजोरम जहाँ वो नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, फिर वो 6 शेड्यूल्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि लद्दाख में डिमांड हो रहा है 6 शेड्यूल का, वो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और सर एक काफी इंटरेस्टिंग था, जो लास्ट मेंबर ने जिन्होंने सवाल किया था वो उनके क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने सर पूछा कि विमेन का जो स्टेटस है मणिपुर में और बिहार में, उसमें क्या आप डिफरेंस देखती हैं और क्यों है ऐसा, और उसके लिए आप क्या करना चाहती हैं। तो वो वाला सर लास्ट वाला काफी अच्छा रहा सर मेरा एक्सपीरियंस। वेरी गुड, आपके रश्मि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने सर्विस में भी जाकर के शानदार परफॉर्मेंस देने वाली हैं, और जो कुछ भी आपने अपने दिल से शेयर किया मुझे उम्मीद है कि अपने आपके अनुभव से बहुत लोगों को लाभ मिलने वाला है। बट टू कंक्लूड इन फ्यू सेंटेंसेस पॉइंट्स, कुछ आप सजेशन जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए देना चाहेंगे तो 3 या 5 पॉइंट में कुछ बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई आप सभी कर रहे हैं, आप सभी डेडिकेटेड है पढ़ाई में, ऑल यू हैव टू डू इज टू बिलीव इन योर सेल्फ। हो सकता है कि ये वाला अटेम्प्ट आपका नहीं होगा, बट देयर विल बी वन दैट अटेम्प्ट जब आप पूरा क्लियर करोगे, यू हैव टू वेट फॉर इट, और पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द आंसर टू दिस। सो यही मेरा एक मैसेज रहेगा सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत ही ईमानदारी से सहजता से अपनी बातों को रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत मिला फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम सक्सेस स्पीक्स एंड शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।